शदीद खौफ था, वहशत थी, तब कहां था तू? शदीद खौफ था, वहशत थी, तब कहां था तू? जब अपने पास अजियत थी, तब कहां था तू? बगैर काम के अब गाड़ियां भगाते रहो। क्या बात है, बगैर काम के अब गाड़ियां भगाते रहो कि जब सफर में जरूरत थी तब कहां था तू? ऐ दोस्त, अब सहारों की आदत नहीं रही। क्या बात है। ऐ दोस्त, अब सहारों की आदत नहीं रही, तेरी तो क्या किसी की जरूरत नहीं रही, तेरी तो क्या किसी की जरूरत नहीं रही। अब के हमारी जंग है खुद अपने आप से, अब के हमारी जंग है खुद अपने आप से, यानी के जीत हार की वक़्त नहीं रही। आसान तो नहीं है ना औरत पे शायरी। क्या बात है, क्या बात। आसान तो नहीं है ना औरत पे शायरी, औरत भी वो जो टूट के औरत नहीं रही। आदत अकेलेपन की जो पहले अजाब थी, आदत अकेलेपन की जो पहले अजाब थी, अब लुत्फ बन गई है अजियत नहीं। डराने वाली भी पहले कभी डरी होगी। क्या बात है। डराने वाली भी पहले कभी डरी होगी, सजा जजा तो बहुत बात का मामला है। सजा जजा तो बहुत बात का मामला है, ये जेल जुर्म के सदके पली बड़ी है। आगे हर संत हमी होंगे अगर जाना है, मुब्तिलाओं ने मेरी जान किधर जाना है, मैंने ए दिल तुझे समझा दिए सारे रस्ते, अब तू सोच इधर रह या उधर जाना है। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की नामवर शायरा हैं नादिया गिलानी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम नादिया साहिबा। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि शायर बनने के लिए किन किन चीजों पर काम करने की जरूरत होती है? पहली बात तो यह जहन कि शायर होता है या नहीं होता, शायर पैदाइशी होता है। शायर पैदाइशी होता है। अब उसका जहूर कब हो या उसको खुद से पता कब चले या वो कब अपनी इस मश को जो है वो दोहराए या कुछ शेर कहे, ये उसको खुद भी नहीं पता होता कि वो कब, मतलब उसका जो जाहिर है उसने कब कब आमद होती है। नहीं, आमद तो उसको होती रहती है क्योंकि उसकी दिलचस्पियां जो होती है ना वो इसी डायरेक्शन में रहती है। अपनी जिंदगी में पहला शेर कब पढ़ा? मैंने शेर पढ़ा तो शायद जो पढ़ने वाला था ना शौक, वो तो मेरा शायद मैंने 6 में परवीन शाकिर की माह तमाम खरीदी थी। माशाल्लाह। 6 क्लास में, जब मुझे पता ही नहीं था। और इसी तरह मतलब जो बुक्स लेना और कालम पढ़ते रहना, किताबें पढ़ते रहना, क्योंकि उस टाइम बहुत ज्यादा आप उस चीज को देख रहे होते हैं, नसर पढ़ते रहना, तो किताबें लेने का जो मेरा पहला टाइम है वो 6 से। अच्छा, ये तासुर दिया जाता है कि शायर बनने के लिए मोहब्बत का होना जरूरी है, कितनी सदाकत? नहीं, शायर मोहब्बत का होना ना सिर्फ जरूरी है बल्कि दिल का टूटना भी जरूरी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना दिल का टूटना जरूरी है ना मोहब्बत का होना जरूरी है। हाँ, कोई वाक्या जरूर ट्रिगर करेगा उसको, कोई ऐसी चीज, कोई भी हो सकती है, वो वाक्या कोई भी हो सकता है, कभी उसको स्कूल में किसी इंसल्ट किया, कुछ भी जो उसके, क्योंकि हसास है ना उसका देखना आम लोगों से थोड़ा मुख्तलिफ है, उसका समझना, उसकी बारीकी और है ना, तो उसको कोई भी, उसका अपनी, उसका बचपन का कुछ, चाइल्डहुड में उसके बाप क्या जाना, कुछ भी, कोई भी। अच्छा, मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है? बिल्कुल नहीं। की जाए अगर उसूल से, देख लो खुदा ने भी की मोहब्बत अपने रसूल से। बेशक। अब सवाल ये है कि क्या नादिया गिलानी को मोहब्बत हुई? नहीं, मुझे मोहब्बत हुई नहीं है, लेकिन मेरे मोहब्बत के करीब करीब है। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में यह है कि जो मोहब्बत है ना वो खास लोगों को एक अता की जाती है, और ये बड़े नवाजे हुए लोग होते हैं, उन पे खुदा का बड़ा ही खास कर्म होता है, क्योंकि जो मोहब्बत ये लोग कर रहे हैं वो मोहब्बत नहीं है या वो मोहब्बत की डेफिनेशन नहीं है। तो महबूब कोई किसी का हो जाए, इससे बढ़कर क्या चाहिए? इश्क और मोहब्बत दोनों में कोई फर्क है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या फर्क है? इश्क के बाद मोहब्बत नहीं होती, इश्क के बाद कोई आता नहीं है, जैसे हम दरवाजा लॉक कर देते हैं ना, रात होती है और बस अब कोई एंट्री नहीं है। यानी कि इश्क का जो काफ है, काफ का मतलब होता है यानी कि कलम बंद करना, बंद कर देना। इश्क के बाद कुछ नहीं, और इश्क मेरा ये जो मैंने पढ़ा समझा या देखा है, या जो मेरी अपनी जिंदगी की अपनी मेरी मेरा शौरी सफर है, उसमें जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि इश्क एक बार है। अच्छा, और मोहब्बत मोहब्बत तो होती रहती है। आपको कितनी मोहब्बत हुई? नहीं हुई,
मतलब मोहब्बत आपको, आपसे तो बेशुमार लोगों को मोहब्बत हुई होगी, होती होगी लोगों को या होती है, लेकिन वो यही है कि मेरा वो मिजाज भी लोगों को समझ आ गया, तो वो इस तरह का इजहार सामने मेरे नहीं आता। जब आपने पहली गजल पहला शेर मुशायरे में सुनाया तो तब लोगों की कैफियत क्या थी? मुझे बहुत मोहब्बत मिली, बहुत अप्रिशिएट मुझे, मतलब हमेशा। पहला शेर कौन सा था? पहला शेर एक छोटी सी नशिस्त थी, और वही जो ऐसे इंसान कभी भी किसी चीज में फर्स्ट अपेयर होता है तो उसके अंदर वो घबराया हुआ भी होता है और खुशी भी होती है। तो शेर अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन वाकया मुझे याद है कि एक नशिस्त में थे और इस तरह, शेर याद नहीं है। जब आप लिखती हैं तो लिखने के लिए कोई टाइम फ्रेम होता है या फिर हाई में या जब आपके दिल करे तब लिखना शुरू कर देती? असल में जो काश ऐसा हो सकता, आप जानते हैं कि जो दुनिया के जितने ममालिक है ना, जो हमारे मुल्क के अलावा, एशिया के अलावा, वहाँ पे जो लिखने वाला है ना उसे सिर्फ लिखने दिया जाता है, यानी उसके बाकी सारे काम जो है ना वो हुकूमत या स्टेट ले लेती है। तो इसके लिए आपको पूरा एक डेकोरम चाहिए ना, एक पूरा आपको एरिया चाहिए। तो अब हमारे पास ये है कि बाज दफा ना बड़ा कुछ मचल रहा होता है दिमाग में, लेकिन और जब वो वक्त गुजर जाता है, मतलब कभी कलम नहीं होता, कभी फुर्सत नहीं होती, और कभी हम उस मौके में। नादिया गिलानी का अपने अलावा फेवरेट शायर कौन सा है? बहुत बहुत ज्यादा मुझे इरफान सदीकी बहुत पसंद है, जमाल जमाल एहसानी वो बहुत पसंद है, मतलब जमाल हर वक्त। आपने देखा कि लोग अक्सर कहते हैं गालिब और मीर तकी मीर के बाद क्लासिकल शायर है वो, तो उनका, उनके साथ तो किसी का मुकाबला हो नहीं सकता। sure. वो तो जैसे हम कुछ लिखना पढ़ना सीखेंगे अलिफ बे, तो आपने कभी भी आप मैट्रिक नहीं कर सकते जब तक आपने पहली क्लास नहीं पढ़ी ना, तो उनको तो पढ़ना जरूरी है, वो तो सिलेबस का हिस्सा है। तो नादिया गिलानी मुशायरे से कितने पैसे कमाती है? मैं मुशायरों पे नहीं जाती, मुझे जितने मुशायरों पे बुलाया गया या बुलाया जाता है उसका फर्स्ट ये है कि मैं लोगों से मिलने में बड़ा मुझे मसला है, मैं मुलाकात से बहुत जान छुड़ाती हूँ। आप इतना खूबसूरत लिख कैसे देती हैं? ये तो अल्लाह का करम है, क्योंकि वो आपका वो एक शेर है ना, ये भी एक ज़हनी अज़ियत है मुसाफिर को, अगर घर पहुंच कर भी लगता है कि घर जाना है, तो इतनी गहराई से किसी चीज को जांचना, जांच पड़ताल करना कितना जरूरी होता है और कितना मुश्किल है? ये खुदादाद सलाहियतें होती हैं इंसान को, जो नज़र खुदा देता है और सोचने समझने की सलाहियत या चीज़ों को सेंस करने की, ये खुदादाद सलाहियत। नहीं तो कभी ऐसे हुआ कि आप गजल सुना रही हों तो कोई शख्स आपका आशिक बन जाए, कोई शख्स आपको चाहने लग जाए और वो शख्स आपको प्रपोज कर दे? नहीं, मेरा ख्याल है कि मेरी वो इतनी ज्यादा वो है ना, बाउंड्रीज इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि मैं भी अगर कुछ ऐसा हुआ होगा तो कोई मेरे तक नहीं पहुंचता। आपको अपनी लिखी हुई सबसे फेवरेट गजल कौन सी लगती है? मुझे तो सारे अपने अशआर जो हैं, क्योंकि वो मेरी आप बीती है, वो मैं हूँ, तो मुझे वो पसंद है। कौन सी, कोई एक नज़्म और गजल सुनाइएगा। पहले तो ये जो तुमने पढ़ी है जिसके चार शेर पढ़े हैं, आगे हर समत हम ही होंगे अगर जाना है। क्या बात है। आगे हर संत हम ही होंगे अगर जाना है, मुब्तलाओं ने मेरी जान किधर जाना है। क्या बात है, क्या बात है। मुब्तलाओं ने मेरी जान किधर जाना है, मैंने ये दिल तुझे समझा दिए सारे रास्ते। क्या बात है। मैंने ये दिल तुझे समझा दिए सारे रास्ते, अब ये तू सोच इधर रह या उधर जाना है। क्या बात है, क्या बात है। अब ये तू सोच इधर रह या उधर जाना है, ये मेरा दिल कोई बाजार की दुकान नहीं। क्या बात है, ये मेरा दिल कोई बाजार की दुकान नहीं। ये मेरा दिल कोई बाजार की दुकान नहीं, जिसमें हर रोज नया माल उतर जा रहा है। क्या बात है, जिसमें हर रोज नया माल उतर जाना है, ये भी एक ज़हनी अज़ियत है मुसाफिर को, अगर ये भी एक ज़हनी अज़ियत है मुसाफिर को, अगर घर पहुंच कर भी ये लगता है कि घर जाना है। तो इतना डीपली जब ये गजल लिखी थी उस वक्त क्या आप सफर कर रही थी, क्या सोच के आ रही थी? नहीं नहीं, शायर को तहरीक मिलती है, कोई एक मिसरा ऐसा होता है, और बाज दफा रवानी में आपके पास पांच छह अच्छे अशआर भी हो जाते हैं, तो ऐसा मतलब कोई वाकया ही होता है।
जिंदगी का खूबसूरत लम्हा कौन सा है? किसी मुशायरे में कोई लम्हा गुजरा हो या कहीं किसी फैमिली में कुछ अच्छा लम्हा गुजरा हो? जिंदगी का खूबसूरत लम्हा तो अपनी अचीवमेंट्स को देखना, जब मैंने लाइफ अचीव करना शुरू किया एज अचीवमेंट आपने देखा तो वही है। लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? हाय, लोग जज ना करें, लोगों को पॉजिटिव रहें, खुशियां बांटें और खुद भी खुश रहें। नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे कि नादिया गिलानी से आखिरी इनसे गज़ल सुनकर जो है अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और सेकंडली अगर आपको कोई सवाल है शायरी के मुतालिक या नादिया गिलानी के ज़ाती लाइफ के मुतालिक तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो आपसे खूबसूरत नज़म के साथ ही अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। सर्द मौसम है, मैं हूँ और हवा है मेरे दोस्त। सर्द मौसम है, मैं हूँ और हवा है मेरे दोस्त। जाने किस बात पे अब तक तू खफा है मेरे दोस्त। क्या बात है। जाने किस बात पे अब तक तू खफा है मेरे दोस्त। अपने होने का भी नोहा नहीं लिख पाते। क्या बात, अपने होने का भी नोहा नहीं, अपने होने का भी नोहा नहीं लिख पाते हम। तेरे जाने का अलग खौफ बबा है मेरे दोस्त। क्या बात, क्या बात। हिजर के रात में रोने से बहार आई है। हिजर की रात में रोने से बहार आई है। मेरी आंखों में कोई फूल खिला है। क्या बात है। तू मुझे मिल ना सका इसका मुझे सोग अलग। तू मुझे मिल ना सका इसका मुझे सोग अलग। उस पे चुप रहना तेरा और सजा है मेरे दोस्त। क्या बात है। रोज मिलने से मोहब्बत में कमी आती है। रोज मिलने से मोहब्बत में कमी आती है। हमने ये कॉल बुजुर्गों से सुना है मेरे दोस्त। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह की बात है।